हेलो एवरीवन, जिन्होंने भी अभी तक स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया या जो स्टूडेंट है या जिनकी इनकम बहुत लो है, तो उनको मैं आज लाइव प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ कैसे आपका केवल 1,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट आपको 10 से 20 लाख रुपए तक इजी स्टेप में बनाकर दे सकता है। और यकीन मानो, यह वीडियो देखने के बाद आपकी आँखें खुल जाएंगी और आप आज ही दौड़ोगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए और फ्यूचर के लिए अपने पैसे सेव करने के लिए। तो एक एक चीज़ें बड़े ध्यान से देखना कि मैं आपको दिखाऊंगा कैसे कंपाउंडिंग वर्क करता है, कैसे आपके पैसे दुगुना तिगुना होते हैं स्टॉक मार्केट में। तो देखो, यहाँ मैंने SIP कैलकुलेटर ओपन कर रखा है, जो कि स्टॉक मार्केट में आपको SIP करना है, मंथली इन्वेस्टमेंट करना है, या जो मैंने वीडियो बना रखा है कि ETF में आपको इन्वेस्ट करना है हर महीने कुछ रुपए, 1,000 रुपये अगर, तो ETF में इन्वेस्ट करो। यहाँ ये भी सेफ है और म्यूचुअल फंड भी सेफ है। और यहाँ से आपको मैं लाइव दिखा रहा हूँ कैसे आपके मनी डबल ट्रिपल होते हैं, कैसे केवल 1,000 का इन्वेस्टमेंट आपको 10-20 लाख रुपये देंगे। एग्जाम्पल के साथ देखो, तो यहाँ पर देखो, मैंने अगर 500 की जगह पर मंथली इन्वेस्टमेंट 1,000 रुपये मैंने रख दिया। मैं मान के चल रहा हूँ कि मिनिमम आप 1,000 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हो, चाहे आप स्टूडेंट हो चाहे लो इनकम वाले हो। तो यहाँ पे मैं 1,000 रुपये पुट करता हूँ और रिटर्न रेट मैं सबसे लो रिटर्न रेट 12% का लेता हूँ, जो कि कभी नहीं देता 12%। 15 से 20% ऑलवेज देता है म्यूचुअल फंड या ETF कोई भी, 20% से ऊपर 25% से ऊपर देता ही देता है। तो 100% यहाँ पे मैं केवल अभी 12% पे रख के आपको दिखा रहा हूँ और इसको हम टाइम पीरियड 20 ईयर के लिए रखेंगे। और देखो कैसे जादू होता है कंपाउंडिंग का, यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कंपाउंडिंग का जादू, आप देख लो। देखो, अमाउंट इन्वेस्टेड था हमारा 20 साल में 2,40,000 रुपये और देखो एस्टिमेटेड रिटर्न जो आपको दिखा रहा है 7,59,000 रुपये। देखो, केवल 1,000 रुपये अगर इन्वेस्टमेंट आप करते हो म्यूचुअल फंड में और 12% का केवल गेन मिलता है आपको, तो 7,59,000 हो जाएगा। अभी मैं एक्चुअल गेन पे दिखाता हूँ कि 15, 20, 25 पे कितना तेज़ी से पैसे बढ़ते हैं। और टोटल जो अमाउंट है 9,99,000 जो गोल अमाउंट होगा ये हो जाएगा यहाँ पे आपको। अब इसी 1,000 रुपये को मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि अगर 20% जो म्यूचुअल फंड ऑन एन एवरेज सालों से देता आया है, वो 20% इसको मैं कर देता हूँ, तो कितना ये पैसे इंक्रीज होंगे और आपको फ्यूचर में कितने पैसे सेव करके देंगे। तो 20% पे देखो, यहाँ पे यही सेम जो रिटर्न है 2,40,000 का इन्वेस्टमेंट आपका हो गया, यहाँ पे सेम रिटर्न 29,21,479 रुपये आपको दे रहे हैं केवल 1,000 का इन्वेस्टमेंट अगर 20 साल के लिए आप करते हो। तो 29 लाख 10 साल के लिए भी करोगे तो कहीं ना कहीं 7 से 8 लाख रुपये आपको मिल जाएगा यहाँ पे। तो चलो मैं 10 साल के लिए भी एक बार करके दिखा देता हूँ कि 20% का रिटर्न अगर 10 साल के लिए आप करते हो तो कितना ही देता है। अब ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए नहीं करना चाहते हो, केवल 10 साल के लिए, स्टूडेंट पीरियड में हो और हाई स्कूल या इंटर से हो या अभी ग्रेजुएशन स्टार्ट की हो तब से अगर स्टार्ट कर देते हो अपनी एनालिसिस करके, तो यहाँ पे देखो आपको कितने अच्छे रिटर्न यहाँ पे गेन करके दे सकता है। देखो, और 2,62,000 रुपये तुम्हारे 10 साल के बाद सेफ रहेंगे 2 लाख, क्योंकि देखो यहाँ पे टाइमिंग का पीरियड देखा तुमने, केवल 10 साल के इन्वेस्ट किया तो वही तुम्हारा 2,62,000 हुआ 20% के गेन पे, और तुमने दोगुना कर दिया 20 साल के लिए कर दिया तो वही तुम्हारा 29 लाख रुपये हो गया। इसीलिए कहा जाता है लॉन्ग टर्म के लिए कभी भी इन्वेस्ट करो, छोटा माइंडसेट मत रखो, छोटे टाइम के लिए मत करो। आओ मैं एक चीज़ और दिखा देता हूँ कि यही इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा आपने करेज करके और 2,000 रुपये का कर दिया तो फिर जादू देखना कैसे क्या हो रहा है। यहाँ पे 2,000 रुपये का मैंने कर दिया, 20% के लिए किया है और इसको 20 साल हमने ले कर चला, ठीक है, 20 साल के लिए किया। फिर अब देखो मैजिक, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट देखो, टोटल जो आपकी इन्वेस्टमेंट हुई है 4,80,000 की हुई है, 58 लाख रुपये आपके पास होंगे अगर 20% का मिलता है अगर आपको इंटरेस्ट रेट, जबकि म्यूचुअल फंड में 25% और ETF में भी हर साल 25% के आसपास 25-30% मिलता ही मिलता है। तो ये कहीं ना कहीं आपका 70 से 80 लाख रुपये हो जाएंगे अगर 2,000 रुपये इन्वेस्ट करते हो तो 20 साल बाद आपके पास सेफ रहेंगे फ्यूचर के लिए। आप यही 1,000 रुपये या 500 रुपये आप कहीं ना कहीं फिजूल का खर्च कर देते हो तो वो 1,000 रुपये अपने पॉकेट में सेव करके और यहाँ पे शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करो म्यूचुअल फंड में या ETF में, तो आपको इतने पैसे फ्यूचर में सेफ मिल सकते हैं जो कहीं ना कहीं यूज हो सकते हैं। तो आई होप कि जो भी मैं समझाना चाह रहा था इन्वेस्टमेंट के लिए, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना कितना अभी अच्छा है आपके लिए और फ्यूचर में पैसे सेव करने के लिए FD करने के बजाय, वो चीज़ मैं आपको बस समझाना चाहता था। आई होप आपको क्लियर हो गया, लाइव यहाँ पे एग्जाम्पल देख के आपको क्लियर हो गया होगा कंपाउंडिंग कैसे वर्क करता है। तो अभी देर किस चीज़ का है, जाओ और इन्वेस्ट करो पैसे, अपना एनालिसिस करके इन्वेस्ट करना, रिसर्च करके इन्वेस्ट करना और अच्छे से जानकारी लेके इन्वेस्ट करना कि कहाँ किस ETF में इन्वेस्ट करना है। मैंने सारी वीडियो बना रखी है कि ETF में कैसे इन्वेस्ट करना है और कौन सा ETF बेस्ट है इन्वेस्ट करने के लिए लॉन्ग टर्म के लिए, सारा चीज़ मैंने वीडियो बना कर रखा। जाओ एक बार चैनल पर चेकआउट करो, देखो, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। थैंक यू।